हेलो हेलो ऑल माय लवली एथ ग्रेडर्स, वेलकम टू अन अकेडमीज क्लास विद एजुकेटर नेहल अगरवाला. ओके, बिफोर वी बिगिन विद द क्लास, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू. आई हैव एन अमेजिंग न्यूज फॉर यू, दैट इज यस, यू कैन नाउ एस योर एग्जाम्स विद अन अकेडमी यूजिंग दिस सब्सक्रिप्शन कोड दैट इज NA01, जिसपे आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. हाँ जी, दैट इज करेक्ट. अगर आप प्लस या आइकॉनिक अनअकैडमी के चैनल पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बेनिफिट्स यूज करना चाहते हैं, तो अब आप उसके बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड NA01, एंड आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. तो यस, नाउ यू कैन एस योर एग्जाम्स यूजिंग अनअकैडमी. So yes, a very brief introduction of myself. I am Nehal Agarwala, your educator, and both you and me, we will be leading on and we will be, you know, covering this journey of learning social sciences together and making social sciences fun for you all. Okay, all right. Quickly, Unacademy Plus ke subscription ke benefits hai kya? राइट, यू कैन डू लाइव क्लासेस फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, एंड जितने भी लाइव क्लासेस है आपको सारे क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट एंड टू लर्न फ्रॉम सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ आर प्लेटफॉर्म. एंड इन एडिशन टू दैट, देर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस, देर विल बी आंसर राइटिंग सेशंस, देर विल बी एग्जॉस्टिव एंड इन डेप्थ कवरेज ऑफ ऑल द सिलेबस. And you'll also get mentorship and guidance by some of our top educators that are curated just to serve you and to make sure that you ace your exams. Uske ilawa, you will have social studies or any subject for that matter on your fingertips. क्यों? क्योंकि हम आपको साथ ही साथ PDF material भी provide कर रहे हैं, notes भी provide कर रहे हैं. That will help you and that will serve as the ladder जिसके through आप अपने exams को ace कर सकते हो. बट हमें ये भी पता है इन सब के साथ साथ प्रैक्टिस, रिविजन, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है. तो हम आपको लगातार रिविजन करवाते रहेंगे, लगातार टेस्ट सीरीज दिलवाते रहेंगे और स्मॉलर बैच कोर्सेज होंगे, ताकि हम मेक श्योर कर पाए कि आपका प्रोग्रेस सही जा रहा है एंड यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. सो यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? राइट आफ्टर दिस क्लास, गो चेक ऑल ऑफ दीज फीचर्स एंड एनरोल फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड NA01. All right. तो आपको दिख रहा है कि ये different different subscription plans हैं. So you know that the longer the subscription plan, the more cheaper it is. So आपको पता है कि आपका फायदा किसमें है. So choose the best plan for yourself and subscribe to that plan. In addition to a plus subscription, we also have an iconic subscription जिसमें आपको extra benefits मिलते हैं, और आप iconic subscription में भी मेरा code use कर सकते हैं, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सके फॉर यू टू एक्सेल विद फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम. एंड व्हाट आर सम ऑफ दीज एडेड बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? वन इज पर्सनल मेंटर. हाँ जी, देयर इज वन पर्सन हु विल बी मेंटरिंग यू ऑन अ वन ऑन वन बेसिस. दे विल ऑल्सो बी इंटरेक्टिंग विद योर पेरेंट्स. ट्राई टू होल्ड ओपन आवर्स विद देम, जस्ट लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग, बट इन अ मच मोर रिलैक्स्ड फॉर्मेट. व्हाई? बिकॉज दे विल बी शेयरिंग all the progress report with the parents, and whatever concerns the parents have, they can also address it. So yes, all the parents out there who are also watching this video and listening to me, what are you waiting for? Go check out the iconic subscription. उसके अलावा आपको study planners मिलेंगे. हम आपके लिए plan करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि you can get the maximum benefit in the most minimum time. Smart work with hard work. हाँ जी, एंड साथ ही साथ हम आपको वीकली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड दीज विल बी डिटेल्ड रिपोर्ट्स जिससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स अलॉन्ग विद डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ओनली ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल फॉर दैट प्लान यूजिंग माई कोड NA01. All right, students. So now with that exciting news, let's begin with our class. तो आपको पता है कि हमने last class में chapter 1 of history cover किया था, your social studies part, which is known as our past, right? आज हम अपने दूसरे branch of social studies की तरफ बढ़ रहे हैं, which is civics.
और पॉलिटिकल साइंस, राइट? तो जैसे हिस्ट्री पास्ट के साथ डील करता है, हिस्ट्री हमें चेंजेस सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है, हमें उसके बारे में बताता है. वैसे सिविक्स इज मोर अबाउट द प्रेजेंट, राइट? इट टेल्स अस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ, इट टेल्स अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड अबाउट हाउ डिफरेंट थिंग्स इन द सराउंडिंग्स, हाउ द पॉलिटिक्स interacts with the social and how all of this makes together our present day society and the place that we live in. So today we're going to enter into this field of political science, yeah, civics, with the first chapter, and the first chapter is the Indian Constitution. Yes, and I'm sure that most of you great smart kid would have heard and would have known about Indian Constitution, right? इंडिया का संविधान. एंड मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप सब ने इंडिया के संविधान के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, यू नो, जाने अनजाने में, नेचुरली बट नेचुरली हमें रियलाइज नहीं होता, बट कैसे हम इस संविधान को हर तरीके से अपने लाइफ में, अपनी निजी जिंदगी में, रोज के कामों में यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक जगह से दूसरे जगह तक, आज सपोज आपको घूमने जाना है अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे, और आज सपोज आप मुंबई दिल्ली से ये देख रहे हो, और कल आप सोच रहे हो कि आपको वेकेशन पे गोवा जाना है, आपको वेकेशन पे नॉर्थ ईस्ट जाना है, राइट? जहां से मैं लाइव सेशन आपका ले रही हूँ, तो आप कैसे जा सकते हैं? आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है. कल को कोई भी आके अगर आप पे हमला कर दे, या कोई भी आके अगर आप पे हमला नहीं करता आज, तो इसका रीजन यही है. क्यों? क्योंकि आपको संविधान वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. देयर आर सर्टेन लॉज दैट आर रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? आज आपके पेरेंट्स अपना ऑक्यूपेशन, जो भी वो काम करते हैं, वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये फ्रीडम देता है. आप आज पढ़ पा रहे हो. एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, कहाँ पे लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा है. आज मैं इंटरनेट पे फ्री कंटेंट बना पा रही हूँ, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रही हूँ, और आप उस इन्फॉर्मेशन से पढ़ पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आई एम फ्री टू, यू नो, हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? सो सोचो, जस्ट इमेजिन वॉट वुड हैव हैपेंड अगर ये संविधान नहीं होता, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. हम कई बार क्या होता है बच्चों कि हमारे आसपास जो चीजें होते हैं, वी ट्राई टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, दैट इज कि हमें उसकी अहमियत समझ नहीं आती जब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं है, राइट? शायद आज बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिए, आपको रियलाइज हुआ होगा, अरे यार, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, राइट? एंड दैट इज वेरी नॉर्मल. मैं भी जब रोज अपनी निजी जिंदगी में ये काम करती हूँ, शायद आई ऑल्सो डोंट थिंक अबाउट इट दिस डीपली, राइट? बट दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज हाउ इंडिस्पेंसिबल, दैट इज हाउ इटर्नल, दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द एवरी डे थिंग्स दैट यू डू इन योर लाइफ, राइट? सो थ्रू दिस चैप्टर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Why is the constitution important? What makes the constitution important? And everything in between. Usse pehle, let's imagine a situation, right? Let's imagine any game you're playing. For example, let's imagine a game of cricket, or let's imagine a game of football, right? A game of football is known as football, foot, right? Because you're not allowed to hold the ball in your hand and run with the ball in your hand around the court, right? आप रूल यही होता है कि आप पैर से कैसे उसको अपने कोर्ट तक पहुंचाते हो और कैसे गोल स्कोर करते हो, राइट? सो देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ एवरी गेम, राइट? सिमिलरली क्रिकेट में देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ एवरी गेम. व्हाट आप कितने क्या मारोगे जिससे छक्का होगा, आप क्या मारोगे जिससे फोर काउंट होगा, व्हाट आर द रूल्स जिससे एक प्लेयर आउट हो सकता है, राइट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पिच, राइट? व्हाट इज द यार्ड्स, 22 यार्ड्स का वो पिच होना चाहिए जिसपे अगर वो भागते हैं तो उससे उन्हें रन्स मिलते हैं, राइट? सो दीज आर द रूल्स ऑफ एवरी गेम. नाउ लेट्स इमेजिन कि ये रूल्स होते ही नहीं किसी गेम में, राइट? इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन अ सिचुएशन लाइक, इमेजिन अ गेम ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, एंड पीपल वर डूइंग व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, जो उनके मन में आ रहा होता, वो उनको वो करने की आजादी थी. इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दैट,
What would have happened? Imagine the chaos. हर जगह chaos होता, हर इंसान एक दूसरे से लड़ रहा होता, वो बोल रहा होता नहीं यार जो मैं बोल रही हूँ वो रूल सही है, कोई इंसान बोल रहा था नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो रूल सही है यार, बट हम तो एक्चुअली कोई रूल्स है ही नहीं, हम जो चाहे जो जी में आए वो कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं इसी गेम के सिचुएशन की जगह एक सोसाइटी ला देती हूँ, एक कंट्री ला देती हूँ। इमेजिन उसकी जगह पे देर इज अ कंट्री और देर इज अ सोसाइटी लाइक इंडिया, जहां पे कोई रूल्स नहीं है, सिटीजंस दैट इज आप मैं जो भी इंडिया में रहते हैं वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है, राइट। उसके लिए आपके पास एक पासपोर्ट होता है, आपके पास आधार कार्ड होता है, आपके पास पैन कार्ड होता है, राइट। तो सोचो कि अब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया देर आर नो रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, देर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, यू नो देर आर नो रूल्स बेस्ड ऑन कोई भी सिचुएशन में आप होते हो, राइट। तो तब सोसाइटी कैसी होगी, देर आर नो रूल्स, दैट मीन्स जिसके जी में जो चाहे वो कर सकता है। कल को अगर किसी को किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है वो जाके उसकी गाड़ी के कांच को फोड़ सकता है, या फिर दो बच्चों को आपस में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, स्कूल में कोई रूल्स नहीं है, उन्होंने जाके एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी, राइट। एंड बिकॉज देर आर नो रूल्स दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट। दे नो दैट दे विल नॉट बी पनिश्ड एंड दे हैव द राइट टू डू एब्सोल्यूटली एनीथिंग दैट दे वॉन्ट टू डू। जस्ट इमेजिन अ सोसाइटी लाइक दैट, देर विल बी केओस, देर विल बी केओस एवरीवेयर, हर कुछ फैला हुआ होगा, कोई रूल्स नहीं होंगे, कुछ यू नो तरीका नहीं होगा चीजें करने की। कैन वी एक्चुअली लिव इन अ सोसाइटी लाइक दैट, कैन वी इवन इमेजिन लिविंग इन अ सोसाइटी लाइक दैट, राइट। फ्रॉम द बिगिनिंग दैट ह्यूमन बींग्स बिगैन टू लिव टूगेदर, दे रियलाइज दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव सर्टन रूल्स दैट एवरीबडी अग्रीज अपॉन, राइट। That every society needs to constitute of certain rules that everybody needs to agree upon. सबको उन rules को मानना पड़ेगा, right? सिर्फ rules होने से नहीं होता, everyone needs to agree upon those rules and that needs to be followed by the people who have agreed upon those rules. So these constitutive rules, right, which constitute a society which is agreed upon by everyone and which is followed by everyone, right? So that is why these constitutive rules becomes very, very important to have some sort of stability, sthirta in the society, right? So all of these questions are very important. Why do you think rules are important, right? Do you think that just like games like football, cricket, jinka maine just aapko bhi example diya, right? Do you think that just like these games, we also need rules in our society, right? And what if there are no rules in the society? What would happen if society do not have constitutive rules? That is rules that constitute or make up a society, right? Kya situation hogi? Just imagine, children, use your imaginative power. I mean, mere liye to imagine karna bhi itna mushkil ho raha hai. Kyun? Kyunki we've always lived using some rules or the other. आपके घर में भी कुछ rules होते हैं कि कब उठना है, कब खाना है, you know, कि घर पे इस टाइम के बाद किसी को घर पे लेट से नहीं आना है, या फिर टीवी इतने घंटों के लिए देखना है. So these are also some rules in your house. Your school has some rules. YouTube, जिस चैनल पे आप मेरा कॉन्टेंट देख रहे हो उस पर कुछ रूल्स है, राइट. मैं किसी और का कॉन्टेंट कॉपी नहीं कर सकती. So every place that you see has some rules. So similarly, the society, the Indian society that you live in, also has some rules that all of you follow and that also gives you the freedom to do certain things, right? Now the important question is ki how are these rules made, right? Ye rules banaye kaise jaate hain and who decides these rules, right? Ye rules ko tay kaun karta hai ki aaj se hum ye rules follow karne wale hain. These are the important questions that we will be dealing with through this chapter, right? कि why are these rules important and where can we find these rules and who makes these rules, who decides these rules, right? Okay, so उससे पहले let's make a mind map, right? हम हर क्लास से पहले एक माइंड मैप बनाते हैं ताकि यू एस स्टूडेंट्स नो दैट वॉट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टूडे, वॉट आर द थीम्स, वॉट आर द कॉन्टेंट्स दैट वील बी डीलिंग विद टूडे, राइट. तो सबसे पहला कंटेंट इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता क्या है, राइट. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी विल बी डीलिंग विद. एंड संविधान की जरूरत क्या है, राइट. सबने कह दिया कि हर देश में, मोस्टली हर देश में एक संविधान होता है, बट संविधान की जरूरत क्या है, राइट. व्हाई इज इट दैट वी इवन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस.
Second, what is the function of this constitution? What is the role of this constitution? What makes this constitution important? Third, Indian constitution and the features of the Indian constitution. India ka jo samvidhan hai, constitution hai, uske kuch bahut hi important features hai. Hum un features ke bare mein padhenge. And lastly, fundamental rights, right? The most important part of the constitution, fundamental rights, jiske bare mein hum in depth padhenge. So these are the various topics that we will try to cover through your first chapter of civics. So without wasting any time, children, let's get into this journey of exploring the constitution of India, India ka samvidhan. Okay, sabse pehle uske liye samajhna bahut zaruri hai ki constitution hota kya hai. So the constitution is a book or a document of written rules about a particular society and how it is to be governed, right? तो चलिए अब इसको तोड़ तोड़ के आराम से समझो. और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, राइट? आप सबको पता है कि जैसे आप संविधान सुनते हैं आपके माइंड में सबसे पहले एक बुक के इमेज आती होगी, राइट? और अ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, राइट? सो अभी हमने रूल्स की बात की, राइट? कि हर सोसाइटी में एक रूल्स होते हैं. तो इंडिया की सोसाइटी के जो रूल्स है वो कौन से बुक या कौन से डॉक्यूमेंट में लिखे गए? इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन tells us that how the society will be governed, कि वो society कैसे चलेगी, वो society के क्या rules होंगे, and how through that rules वो society on a regular basis, on a daily basis will be governed, या वो society कैसे चलेगी, right? So this is what the constitution tells you. Now as you know that almost all democratic countries, now what is a democracy? A democracy is a form of government. वो एक तरह का गवर्नमेंट होता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लोग इलेक्ट करते हैं उसे, राइट? इंडिया में क्या होता है, आप देखते होंगे हर 5 साल में आपके पेरेंट्स वोट देने जाते हैं और हर 5 साल में चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, राइट? जिसमें काफी सारे कैंडिडेट्स, काफी सारी पार्टीज खड़ी होती है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बहुजन पार्टी हो गई, सीपीआई हो गई, सीपीआईएम हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, राइट? ये सारे पार्टीज खड़ी होती है और इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कि बीजेपी अपने अपने लोगों को खड़ी करेगी, जो लोग को हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और उसके बाद हम जाके वोट कास्ट करते हैं इन चुनाव में, इन इलेक्शंस में, राइट? तो एक तरीके से हमारा से होता है ना कि कौन आज प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कौन मिनिस्टर्स बनेंगे, कौन पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, वो हम डिसाइड करते हैं, वो इंडिया के लोग डिसाइड करते हैं कैसे, अपने वोट के थ्रू, इलेक्शंस में, चुनाव में, राइट? सो दैट इज अ डेमोक्रेसी. तो मोस्ट ऑफ दीज डेमोक्रेसी जहां पे लोग चुनाव के थ्रू अपना वोट डाल के अपने लोगों को, दैट इज जो लोग उनको गवर्न करेंगे, जो लोग उनका शासन करेंगे, जो लोग उनका लॉज बनाएंगे, उनको इलेक्ट करते हैं, उसे हम डेमोक्रेसीज कहते हैं. तो ऐसे मोस्टली डेमोक्रेसीज में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक बुक होता है जिसमें सारे रूल्स लिखे जाते हैं कि वो सोसाइटी कैसे चलेगी, वो सोसाइटी कैसे गवर्न होगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान सिर्फ एक ऐसे कंट्री में हो जहां पे डेमोक्रेसी हो. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास एक संविधान तो है पर वो डेमोक्रेसी नहीं है. अभी हम एक ऐसी कंट्री नेपाल का भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे. इनफैक्ट 1718 सदी का फ्रांस में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक संविधान था, पर वो डेमोक्रेसी नहीं था, वो मोनार्की था, मतलब वहां पे एक राजा, एक किंग का रूल था. तो एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक है, अनिवार्य है एक डेमोक्रेसी में. लेकिन दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी, जैसे मोनार्की में, यू नो, डिक्टेटरशिप में, ऑटोक्रेसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में तो होना ही पड़ेगा. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी सारे पर्पस को सर्व करता है, राइट? वो काफी सारे वजह है जिसके वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशन है. पहला पर्पस जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है, विच इज इट टेल्स यू अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, मतलब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकते हो कि एक सोसाइटी फंडामेंटली, मतलब फाउंडेशनल बेसिस पे, फंडामेंटली वो सोसाइटी कैसी है, राइट? वो एक सोसाइटी के आदर्श, प्रिंसिपल्स और उनके आइडियल्स के बारे में बताता है, राइट? जो एक सोसाइटी को बनाता है. जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ोगे, है ना, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, जो ऐसे शुरू होता है, दैट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कुछ कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो बेसिकली आपको बताता है कि उस सोसाइटी के प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे वो सोसाइटी सेक्युलर है, वो सोसाइटी सॉवरेन है, सोसाइटी रिपब्लिक है, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक है. डोंट वरी, हम ये एक एक करके वर्ड्स आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा ताकि हम ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लोर कर सके और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और सिविक्स को और हमारे पॉलिटिकल लाइफ को और आपके सोशल स्टडीज को बेहतर समझ सके, है ना. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें जो चीजें लिखी होती है उसे पढ़कर आप बता सकते हो कि आपकी सोसाइटी के फंडामेंटल बेसिस क्या है, आपकी सोसाइटी किन आदर्शों पे बेस्ड है और आपके जो सिटीजन्स है कंट्री के, वो इन आदर्शों में, वो किन आदर्शों में बिलीव करते हैं, वो ये सब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बता सकते हो. अगेन, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ अग्रीड अपॉन रूल्स, राइट. ये जो रूल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, इनसे सबको अग्री करना होता है, राइट. सिर्फ रूल्स होने से काम नहीं चलता. आज अगर किसी ने रूल्स बना दिए लेकिन उसको कोई फॉलो करने वाला नहीं है, तो क्या वो रूल्स मायने रखने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो वो रूल्स को अग्री अपॉन करना होता है. दीज रूल्स नीड टू बी अग्रीड अपॉन बाय द पीपल जो बताते हैं कि एक सोसाइटी का शासन कैसे होगा, एक सोसाइटी कैसे गवर्न होगी, उस सोसाइटी में कौन सा टाइप का सरकार होगी, कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी होगी, ऑटोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, क्या होगी, उस सोसाइटी के रूल्स क्या होंगे, उस सोसाइटी के आदर्श क्या होंगे. सो इसीलिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वन, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अग्रीड अपॉन रूल्स हो पाए जो हमें उस सोसाइटी के बारे में बताए, और दूसरा, जैसे ही हम वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान पढ़े, हमें उस सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है और जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पता लग सके, राइट. सो दिस इज द पर्पस व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक केस स्टडी को लेके. और जिस जगह की हम केस स्टडी लेने वाले हैं वो जगह है नेपाल. नेपाल, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के एक बहुत ही करीबी देश है, जो हिमालयन, जहाँ पे हिमालय जहाँ पे होते हैं उसके ऊपर ही अगर आप देखोगे मैप में, ये है ना, ये उत्तर प्रदेश बिहार है, इसके जस्ट ऊपर आपको नेपाल दिखेगा. दिस इज द कंट्री. तो आज हम इसकी केस स्टडी देखने वाले हैं और आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट. तो नेपाल में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, नेपाल में जो सरकार थी अराउंड 1980s 1990s में, वो थी मोनार्की. मोनार्की मतलब, मोनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो किंग होता है, एक राजा होता है, वो देश के जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, राइट. जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, यूएस में हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, वैसे ही नेपाल में उस समय जो देश का हेड होता था उसे कहते थे किंग, राजा. और ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें राजा हेड ऑफ द स्टेट होता है और वो सारे फैसले लेता है, उसे हम कहते हैं मोनार्की, राइट. लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि संविधान हर डेमोक्रेसी में जरूरी है, लेकिन जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे देशों में, उनमें भी संविधान हो सकता है, जैसे मोनार्की. उसका एक एग्जाम्पल है नेपाल, कि 1990 में भले ही नेपाल एक मोनार्की थी, उनके पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक संविधान था. भले ही उनके पास एक संविधान था जिसमें लिखे हुए रूल्स थे, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी थी, जो फाइनल फैसला था, वो किसके हाथ में था? वो किंग के हाथ में था, ठीक है. तो भले ही इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो सिटीजन्स है ऑफ नेपाल उनके पास कुछ कुछ राइट्स है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा कि ये राइट्स लागू होंगे नहीं होंगे, या क्या होगा, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, या लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं, वो किंग के हाथ में था. तो भले ही एक संविधान था, लेकिन जो आखिरी फैसला था और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला था, वो किसके हाथ में था? वो राजा या किंग के हाथ में था, ठीक है. लेकिन लोग जो है, नेपाल के लोग, उनको कौन सा फॉर्म ऑफ सरकार चाहिए था? उनको चाहिए थी डेमोक्रेसी, क्योंकि उसको उनको समझ आ गया था कि जो राजा है वो अपने मन मर्जी से चल रहा है. अगर उनको ज्यादा राइट्स चाहिए, उनको बेहतर गवर्नमेंट चाहिए, उनको बेहतर जिंदगी चाहिए, तो इसीलिए उनको डेमोक्रेसी के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है. तो वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ने लगे और ऐसे शुरू हो गया लोगों का स्ट्रगल टू फाइट फॉर डेमोक्रेसी. और ये स्ट्रगल चला काफी सालों तक. फाइनली 12 साल बाद ये स्ट्रगल चलने के बाद 2002 में जो वहां के राजा थे, किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े बहुत जो पावर्स थे उनको भी अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, ठीक है. और उन्होंने क्या किया, क्या कारण दिया कि इस समय जो माओइस्ट है, जो आतंकवाद है, जो टेररिस्ट है, जिनको वो माओइस्ट कहते थे,
उनका जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए अभी उनको सारा पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे कर करके जो किंग ज्ञानेंद्र है उन्होंने 2005 में सारे पावर्स अपने हाथ में ले लिया और खुद को हेड ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ कि 2005 में जो माओइस्ट थे राइट, जिनको किंग ज्ञानेंद्र ने जिनका सहारा लेकर या जिनका कारण देकर खुद राजा बने थे, दीज माओइस्ट व्हाट डिड दे डू, दे स्टार्टेड जॉइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने जो अपनी ये एक्टिविटीज है, जो रिबेलियन है, जो अटैक है, उसको बंद करके उन्होंने सोचा कि अब वो सही तरीके से फॉर्मली जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर देंगे पॉलिटिक्स में। और उन्होंने कैसे ये शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी। तो उन्होंने काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और उन्होंने एक 12 पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत उन्होंने कुछ कुछ समझौते किए। ठीक है, फाइनली इन 2006 आफ्टर काफी सारे लोगों के स्ट्रगल के बाद और लोगों के मूवमेंट के बाद जो किंग का पावर है वो 2006 में एंड में आ जाता है इन नेपाल राइट। और जो किंग क्या करता है वो पार्लियामेंट को वापस ले आता है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कहता है कि ठीक है अब मैं पीछे हट रहा हूं और आप आगे और अब गवर्नमेंट को फॉर्म करो। मतलब एक तरीके से अब नेपाल में डेमोक्रेसी आ रही है जैसे इंडिया में है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो लड़ती है पार्लियामेंट की सीट के लिए, वैसे ही नेपाल में भी अब पार्लियामेंट आ चुका है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये सिलसिला शुरू करने वाले हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनके जो लोग जीतेंगे वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे और फिर वो लोगों का शासन करेंगे राइट। तो एक तरीके से अब चुनाव होगा तो लोगों का से होगा, है ना। जब आप वोट करते हो तो आप एक तरीके से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको आपने इलेक्ट किया है चुनाव में और जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो एक तरीके से आपने उनको इलेक्ट किया है ना, तो आप उन्हीं लोगों को इलेक्ट करते हो जो आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट डिसीजंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आप भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हो। तो नेपाल में भी इसका सिलसिला शुरू हो गया। फाइनली 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गई और मोनार्की दैट इज जो राजा का पावर था वो फाइनली खत्म हो जाता है एंड इट कम्स टू एन एंड। ठीक है, एंड नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, नाउ द पीपल ऑफ नेपाल नीड टू स्टार्ट राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ डेमोक्रेसी दैट इज देयर, लेकिन अब आप पूछोगे कि देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर दैट राइट, बट द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो उससे पहले था वो एक मोनार्की के लिए था, बट अब क्योंकि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ही बदल चुका है, अब वो मोनार्की से डेमोक्रेसी बन चुका है, तो इसीलिए अब उनको एक नए संविधान, नए रूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक ऐसा संविधान जो उनके आदर्शों को, जो उनके आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करेगा राइट। क्योंकि हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था कि क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, कि वो आपको एक सोसाइटी के बारे में और उनके फाउंडेशंस के बारे में, उनके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स और आदर्शों के बारे में बताता है। तो अब क्योंकि उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो चुका है, उनके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स चेंज हो चुके हैं, इसीलिए अब उनको एक नया संविधान लिखना पड़ेगा। तो अब एक नया संविधान लिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इन 2015 नेपाल अडॉप्ट्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इटसेल्फ राइट, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल डिफाइन व्हाट इट इज to live in a democratic country like Nepal which is very different from a monarchy जिसमें king का राज था right। तो आप bold में देख सकते हैं कि इस presentation में लिखा हुआ है that constitution define the nature of the country's political system, उस country की सरकार क्या होगी, उस country का political system क्या होगा, that is defined by the constitution। आपके constitution में क्या rules, क्या regulations, क्या principles लिखे गए हैं उससे डिफाइन होगा कि आपकी कंट्री में क्या सरकार है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सरकार। अगर एक कंट्री मोनार्की है जैसे आपने देखा नेपाल, उसका जो संविधान है वो बहुत अलग होगा अगर वो कंट्री डेमोक्रेसी होती है तो, अगर उसका गवर्नमेंट चुनाव लड़ के पावर में आता है पार्लियामेंट में तो, है ना। इसीलिए अगर एक कंट्री का गवर्नमेंट बन रहा है, चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका जो नेचर है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जैसे हमने नेपाल की केस में देखा। तो दिस इज वन केस स्टडी जिससे आपको पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन किस वजह से लिखा जाता है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके सोसाइटी के बारे में किस हद तक जानकारी देता है और क्या रूल्स होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिन पे सब लोग अग्री अपॉन करते हैं ताकि वो सोसाइटी में हंसी खुशी पीस के साथ
और स्टेबिलिटी के साथ रह सके। ओके, नाउ अभी तक हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, और हमने एक केस स्टडी की सहायता से, दैट इज नेपाल की केस स्टडी लेकर इसको समझने की कोशिश की। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। स्पेसिफिकली एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शंस है वो क्या क्या होते हैं, राइट? डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा, मैं आपको ये बार बार सेम चीज आइटरेट कर रही हूँ कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो आपके जो लीडर्स है, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो MLAs होते हैं, सबको कौन इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं अपना वोट डाल के, ठीक है? वो वोट डालते हैं और वो फिर चुनाव जब होता है, इलेक्शंस होता है, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, और यही लीडर्स जो है वो उनके लिए डिसीजंस बनाते हैं। जैसे आप देखते होंगे पार्लियामेंट में पूरे समय डिबेट चलते रहता है और नए नए लॉज पास होते हैं। ये लॉज पास कौन करता है? ये लॉज वही लोग पास करते हैं जिन लोगों को आपने वोट देकर पार्लियामेंट में बिठाया है, जिन्होंने बहुमत पाई है इलेक्शंस में, जिनको मेजॉरिटी मिली है इलेक्शंस में, एंड देन दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट एज योर रिप्रेजेंटेटिव, राइट? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि वो दे कैन पास द बेस्ट ऑफ लॉज इन बेस्ट ऑफ योर फेवर्स, दैट विल हेल्प टू मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस एंड दैट विल मेक इट बेटर फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट? सो that is the constitution, that is in a democracy where people have to elect their own leaders and the leaders make the decision on their behalf, a constitution is now needed to regulate them, hai na? to ab humne leaders ko to elect kar diya, to ye bahut zyada sambhavna hai ki ek bar agar wo leaders elect ho gaye to unhone jo promises kiye hai ya unko jo powers milte hai mantri ya leaders banne ke baad, they can misuse that power, right? वो उस पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखा होता है दैट प्रिवेंट्स ऑल ऑफ दीज लीडर्स दैट यू हैव इलेक्टेड फ्रॉम मिसयूजिंग देयर पावर्स, राइट? दे प्रिवेंट देम फ्रॉम मिसयूजिंग देयर पावर। इट कीप्स अ चेक दैट द मिनिस्टर्स और दैट द पीपल दैट यू हैव इलेक्टेड डू नॉट मिसयूज देयर पावर। So that is the first most important function of democracy, that is to ensure that the leaders that people have elected do not misuse their power. Second, a constitution saves us from ourselves. Funny, right? What do you mean by ki constitution hame apne aap se hi bachata hai? That is that constitution hame rokta hai aise decisions banane se ya aise kuch steps ya actions lene se jiska country pe एक बैड इंपैक्ट हो, राइट? या जिसका दूसरे सिटीजंस पे एक बैड इंपैक्ट हो। लेट मी टेल यू दिस, टुडे लेट्स से दैट यू हैव हैड अ फाइट विद योर नेबर, राइट? आपके एक पड़ोसी से अपनी लड़ाई हुई है एंड आप बहुत गुस्से में हो एंड इरैशनली गुस्से में आके आपको मन करता है कि आप जाके उनकी गाड़ी के कांच को फोड़ दो, राइट? बट यू विल नॉट डू, राइट? यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इट। आप सोचोगे कि नहीं, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो द नेबर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, गो टू द पुलिस एंड यू माइट गेट अरेस्टेड फॉर इट, राइट? सो इन दैट सिचुएशन यू माइट हैव मेड एन इरेशनल डिसीजन, राइट? आप एक गलत डिसीजन कर सकते थे बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जो आपको रोकता है ये इरेशनल डिसीजंस लेने से, इसीलिए यू डोंट टेक दोज रॉन्ग और इरेशनल डिसीजन दैट माइट हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड ऑन अदर पीपल ऑल्सो। सो दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स यू फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग इरेशनल और रॉन्ग डिसीजन दैट माइट हैव अ नेगेटिव और बैड इम्पैक्ट। सो वन प्रिवेंट्स द पीपल और द पीपल हु वी हैव गिवन पावर टू मेक डिसीजन, दैट इज दोज हु सिट इन द पार्लियामेंट, टू मिसयूज देयर पावर। सेकेंडली इट सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। हाउ? इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम मेकिंग एनी काइंड ऑफ इरेशनल डिसीजन। तीसरा फंक्शन क्या होता है? दैट एक कॉन्स्टिट्यूशन ये निश्चित करता है, ये इंश्योर करता है जो डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट मतलब जो मेजॉरिटी में है, जो ज्यादा पावरफुल है। डोमिनेंट ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं, एक या तो जब आप मेजॉरिटी में हो पहली बात, या दूसरा जब आप पावरफुल हो क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा हो या वो आपकी कनेक्शन हो, राइट? सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये निश्चित करता है कि ये जो डोमिनेंट या पावरफुल ग्रुप है वो अपने पावरफुल पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे और वो माइनॉरिटीज या लेस पावरफुल ग्रुप के साथ कुछ गलत ना करे, राइट? सो अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टिरनी मतलब
सारी गलत हरकतें, सारे अत्याचार जो एक मेजोरिटी कर सकता है माइनॉरिटी में, दैट इज समथिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज एंड द इंटरेस्ट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, राइट। जैसे आप एक कंट्री में देखोगे इंडिया में, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कुछ लोग मेजोरिटी का हिस्सा है, राइट, लाइक द मेजोरिटी रिलीजन इज हिंदुइज्म, कुछ लोग माइनॉरिटी का हिस्सा है जैसे क्रिश्चियनिटी, लाइक जूडाइज्म, बुद्धिज्म, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू इंश्योर कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं या ये ज्यादा पावरफुल जो लोग हैं, ये कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से जो माइनॉरिटीज है उन पे अत्याचार हो और उनको सहना पड़े, राइट, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन, राइट, दबाव से बचाना, दैट इज अ थर्ड फंक्शन। एंड देर आर टू काइंड ऑफ डोमिनेशन, राइट, वन इज इंट्रा कम्युनिटी, मतलब जब कम्युनिटी के आपस के लोग एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, व्हेन मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी आर डोमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। जैसे कि हिंदुइज्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म एक कम्युनिटी है, राइट, और उस कम्युनिटी में दो तरीके के लोग हैं, सम पीपल हु आर वेरी पावरफुल एंड रिच, सम पीपल हु आर पुअर। So these people who are powerful are now dominating the people, the other Hindu people who are less powerful. So that is intra-community domination, right? The community is Hinduism and within Hinduism, two communities are dominating each other, the rich community and the poor community. The rich is dominating the poor. That is intra-community. Now inter-community, matlab jab ek community ke log, suppose aaj Hindus Buddhism ko dominate karte, Buddhist ko dominate karte, that is inter-community, two different communities that are dominating, that is when the dominant community, more powerful or the majority community dominates another less powerful or the community in minority, that becomes inter-community. So constitution ye ensure karta hai ki ye dono tarike ke jo dominations hai, dabav hai, intra-community ya inter-community, wo isko rok sake aur wo minorities ke interest ko protect kar sake. So three functions of democracy, one, टू इंश्योर दैट जो लोग पावर में है वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड टू प्रिवेंट द डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी पीपल, एंड थर्ड टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स ताकि हम कुछ इरेशनल डिसीजंस नहीं बनाए। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ व्हाटएवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ। फर्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ बुक of rules, right, which are agreed upon by the people, which enables and helps us to know how the society will be governed, wo society ka shasan, wo society kaise chalega, right. And we also studied that why is the constitution important, why are the rules that are written in the constitution important, right. Then what is the purpose of a constitution, ek constitution ka purpose kya hota hai, kyun, kyunki wo constitution batata hai वट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी के आदर्श क्या है, उस सोसाइटी का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और वो सोसाइटी के जो अग्रीड अपॉन रूल्स क्या है वो क्या है, वो हमें तभी पता लगता है जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ये होता है कि वो हमें इन रूल्स के बारे में बताता है, दैट इज अग्रीड अपॉन एंड नीड्स टू बी फॉलोड बाय ऑल द पीपल इन दैट कंट्री, इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दैट सोसाइटी एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, दैट इज द पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन क्या होता है, अभी जो मैंने तीन फंक्शन बताए, प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर बाय द डिसीजन मेकर्स और बाय आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, थ्री प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज फ्रॉम द टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी के दबाव से और अत्याचार से माइनॉरिटीज को बचाना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आई होप यू ऑल बीन एबल टू फॉलो मी थ्रू दिस, आई होप यू ऑल बीन टेकिंग नोट्स, वरना what you can do is you can always come back to this video, look at the presentation and make notes. Just give me one second, आप भी एक सेकेंड का ब्रेक लीजिए, then we will continue from here. Okay, all right, let's move ahead. Now अब हम संविधान की बात करते हैं, now let's talk about the Indian constitution, right? What is the Indian constitution like? India का संविधान क्या है? तो India का जो national movement था, India का जो national movement था, सबने सुना होगा गांधी जी के बारे में, freedom fighters के बारे में, the national movement of India, जो India के leaders ने जो movement लड़ा था, जो movement lead किया था, किसके against? British के against, right? हमने कल भी ये पढ़ा था history के lesson में,
तो वही मूवमेंट दैट इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ताकि वो इंडिया के लिए आजादी पा सके, टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया. ये जो मूवमेंट था ये काफी सालों तक चला था, राइट. और जब ये मूवमेंट चल रहा था तो इंडिया पूरे टाइम ये सोच रहा था कि व्हाट विल इट बी लाइक टू हैव अ फ्री इंडिया, टू हैव एन इंडिपेंडेंट इंडिया. सो थ्रू आउट दिस नेशनल मूवमेंट व्हेन दिस डिफरेंट लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स वर फाइटिंग फॉर इंडिया, दे वर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड इमेजिनिंग एंड प्लानिंग अबाउट द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब इंडिया ब्रिटिश से फ्री होगा तो व्हाट विल बी द सोसाइटी लाइक, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी हैव, व्हाट आर द रूल शुड बी हैव, व्हाट आर द पावर्स दैट द पीपल शुड हैव, राइट. ये सारी चीजों के बारे में. सो इन 1934 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, राइट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट बॉडी दैट वॉज फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल लीडर्स, नेहरू से लेके गांधी से लेके, यू नो, ऑल ऑफ देम वर अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बेसिकली द बॉडी दैट वॉज फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो 1934 में दे मेक अ डिमांड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. नाउ वॉट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज बेसिकली एन असेंबली और अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टूगेदर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आके एक संविधान को और एक देश के संविधान को लिखते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया ब्रिटिश से कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो ये डिबेट कर सके, जो ये डेलिबरेट कर सके और जो ये सोच सके कि इंडिया का संविधान किस तरह का होना चाहिए. ठीक है. फाइनली जब वर्ल्ड वॉर टू होता है, दैट इज वर्ल्ड वॉर टू कब होता है, 1939 से 1945 तक, तो 6 सालों में जब वर्ल्ड वॉर टू होता है, तो जब ये आइडिया है ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया में. तो सडनली एक मोमेंटम, एक रफ्तार आ जाती है इसी के आइडिया में, है ना. फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 लोग हो चुके हैं, जो 3 साल तक, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक इंडिया के एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, राइट. दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली ऑफ 300 पीपल सिट टुगेदर फॉर 3 इयर्स एंड दे ड्राफ्ट द मोस्ट आइकॉनिक, मोस्ट हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट दैट विल हेल्प एंड दैट विल गाइड एज टू हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो फ्री भारत है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया, हाउ विल दैट बी गवर्न्ड, राइट. दैट आइकॉनिक डॉक्यूमेंट इज नोन एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कम्स इन टू बींग इन 1950. रिपब्लिक डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस साल हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और जिस साल से हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना हमने शुरू किया था, राइट. तो ये जो काफी लंबा दौर होता है, कम से कम 200 साल का, जब तक इंडिया ब्रिटिश के चंगुल में रहता है, उस दौर में जो इंडिया के डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं और लीडर्स हैं जो इंडिया की आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं, और इंडिया के आम लोग वो भी ये तय कर लेते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं कि जैसे ही इंडिया को आजादी मिलेगी वैसे ही इंडिया एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलेगा. इंडिया में अब किसी तरीके का डिक्टेटरशिप नहीं होगा, इंडिया में कोई राजा नहीं होगा, इंडिया में मोनार्की नहीं होगी, बट इंडिया में लोगों का राज होगा. दैट इज अ डेमोक्रेसी, जहां पे लोग चुनाव करेंगे और वो अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे और इंडिया के जो सारे लोग हैं उनको हम इक्वली ट्रीट करेंगे. तो ये एक फैसला था जो लिया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आराम से पता लग जाएगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और एक सिस्टम है जिससे लोगों को इलेक्ट किया जाता है, जिससे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है. और इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी इंडिया के लोग हैं, उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. ऑल ऑफ देम शुड बी ट्रीटेड इक्वली. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इतना जो बड़ा देश है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आप लोगों के मामलों में देखोगे तो इंडिया इज सच अ ह्यूज नेशन, राइट. तो आप इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां तो आई होंगी, राइट. बिकॉज ये जो टास्क था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो 300 लोग, उनके सामने एक बहुत ही ह्यूज, एक बहुत ही बड़ा टास्क था एक कंट्री लाइक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. क्यों? तीन रीजन
रीजंस था जिनकी वजह से ये जो चैलेंज था ये काफी मेजर चैलेंज था टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. पहला चैलेंज क्या था कि इंडिया काफी ज्यादा डाइवर्स था, दैट इज इंडिया में काफी ज्यादा वैरायटी थी. वैरायटी किस तरह की वैरायटी, इंडिया के जो लोग थे सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, है ना. इंडिया में काफी लिंग्विस्टिक वैरायटी थी. आज भी इंडिया में ये कहावत बहुत ही फेमस है कि हर थोड़े दूर में जो इंडिया जो लैंग्वेज बोलता है, जो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बदलते चले जाते हैं. बिकॉज इंडिया में काफी सारे लैंग्वेजेस है, देर आर मोर देन हंड्रेड लैंग्वेजेस राइट दैट आर देयर इन इंडिया. लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक वैरायटी. लोग अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे, अनलाइक मोस्ट अदर कंट्रीज जहां पे एक रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा होते हैं. इंडिया में जो रिलीजन भी था वो भी काफी वैरायटी था. देयर वर हिंदूज, देयर वर मुस्लिम, देयर वर क्रिश्चियन, देयर वर जूस, देयर वर ज़ोरास्ट्रियन, देयर वर बुद्धिस्ट, देयर वर जैन्स. सो इन इतने सारे अलग अलग काइंड ऑफ रिलीजन के लोग रहते थे एंड इनफैक्ट वो अपने जैसे रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे. दैट वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फेस्टिवल्स. तो इंडिया वॉज वेरी डाइवर्स राइट. इसीलिए हम यूज करते हैं वो फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अलग अलग होना बट डाइवर्सिटी में भी, वैरायटी में भी एकता होना, यूनिटी होना राइट. सो दैट वॉज वन रीजन. तो इतने अलग अलग लोग और उन अलग और ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो इन सब अलग अलग लोगों की रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे और साथ ही साथ उनके जो व्यूज है, उनकी इच्छाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करे और ये सारे अलग अलग लोगों को ऐसा लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और वो हमें रिप्रेजेंट करता है राइट. सो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफी चुनौती का काम था, है ना. और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सब लोगों को स्वीकार हो, अग्रीड अपॉन बाय एवरीवन राइट. सो दैट वाज फर्स्ट चैलेंज दैट वाज देयर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड चैलेंज वॉज जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी बीच में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है 1946 से. 1947 में 15 अगस्त में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब काफी ज्यादा हड़बड़ाहट मची होती है, काफी टर्मोइल होता है, कुछ भी स्टेबल नहीं होता, काफी अस्थिरता होती है राइट. क्यों? वन बिकॉज अभी अभी एक गवर्नमेंट छोड़ के गया है एक देश एंड यू हैव टू नाउ चेंज योर गवर्नमेंट. देयर नीड्स टू बी अ शिफ्ट एंड ट्रांजिशन इन पावर From British to India, so there needs to be a shift, a change, a transition in the form of government also. So suddenly, इतने साल तक जब British rule कर रहे थे, अब suddenly Indians को rule करना है, तो काफी ज़्यादा अस्थिरता मच चुकी थी. और ये अस्थिरता पे दो और चीजों ने add कर दी थी. One, partition. India के independence के साथ ही साथ partition होता है. India को दो हिस्सों में divide कर दिया जाता है, India और Pakistan. उस वजह से भी काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आई थी, काफी ज्यादा खून खराबा हुआ था, काफी ज्यादा वॉर्स चल रहे थे, लोगों में लड़ाइयां चल रही थी. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट एडेड टू द टर्मोइल, द इंस्टेबिलिटी. इन एडिशन टू दैट जब ब्रिटिश ने इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित किया तब इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स जो राजाओं और प्रिंसेस के अंडर थे, है ना. जैसे हैदराबाद हो गया, दैट वॉज वन स्टेट, फिर कश्मीर हो गया. ये कुछ कुछ जो स्टेट्स थे वो सब राजाओं के अंडर थे और ब्रिटिश ने क्या बोला कि उन्होंने राजाओं पे छोड़ दिया कि वो जो चाहे वो इन स्टेट्स के साथ कर सकते हैं, वो चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं और वो चाहे तो खुद इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं मत, और वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकते हैं. तो ये जो राजा थे, जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, ऐसे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ब्रिटिश ने बोला जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा है वो जो चाहे वो इस प्रिंसली स्टेट्स के साथ कर सकते हैं. तो इस वजह से काफी ज्यादा अस्थिरता थी कि अभी तक पता नहीं था कि इंडिया का मैप कैसा दिखने वाला है, कौन सा देश जुड़ के पाकिस्तान का होने वाला है, कौन सा देश इंडिया के साथ रहने वाला है, कौन सा देश प्रिंसली स्टेट्स है. तो ये सारी भी काफी सारी अस्थिरता टर्मोइल्स चल रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी के बीच में. और तीसरा, जब इंडिया आजाद हुई तब जो उनके कंडीशन थे, जो उनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन था वो भी काफी बुरा था. जो लोग थे वो काफी पुअर थे, इंडिया में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, काफी कम लोग लिटरेट या एजुकेटेड थे. तो ये सारे भी जो चीजें हैं दैट एडेड टू द प्रॉब्लम राइट एंड चैलेंजेस ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा कि ये उनके आगे काफी भयंकर, इट वॉज अ ह्यूज टास्क to make a constitution for a country like India because India was so diverse, it had so much of variety, because India was in a state of turmoil because of partition, princely states and the change and shift in power
and because of the socio-economic conditions, that is, the people were so poor, uneducated, and there wasn't enough development in India. So all of these challenges were faced when the Indian constitution was being made, right? अब देखते हैं, अब हमने चैलेंजेस पढ़ लिया, हमने देखा कि व्हाट वाज द प्रोसेस, क्या जर्नी रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की, उनमें क्या चैलेंजेस आए. नाउ लेट्स सी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के व्हाट आर द फाइव की फीचर्स ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पांच की फीचर्स क्या है वो फटाफट से देखते हैं. द फर्स्ट की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरलिज्म. व्हाट डज द वर्ड फेडरल मीन? फेडरल मीन्स कि जो गवर्नमेंट सिस्टम होगा वो डिवाइडेड होगा, इट विल बी फेडरल. सो इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो एक दो तीन, तीन टीयर सिस्टम में डिवाइडेड है. सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो गवर्नमेंट है उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट है, जहां से आप कनेक्ट कर रहे हो वहां पे उसकी सरकार है, जहां पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं. उसके बाद जो विलेज लेवल पे जो गवर्नेंस होता है, जो पंचायती राज सिस्टम होता है, पंचायत का जो सिस्टम होता है. तो फेडरलिज्म वॉज द फर्स्ट की फीचर कि जो पावर है वो एक जगह पे सेंटर के हाथ में नहीं होगा, बल्कि तीन लेवल्स या तीन टीयर पे डिवाइडेड होगा. अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके करने के दो कारण थे. पहला कि इंडिया इतना बड़ा देश है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक गवर्नमेंट सेंटर पे बैठे और वो पूरे देश के लिए फैसला कर सके, क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो ये जान सके कि अलग अलग जो जगहें हैं इंडिया जैसे बड़े देश में, वो अलग अलग जगहों की क्या मांग है, राइट? व्हाट आर द नीड्स ऑफ दी स्पेसिफिक स्टेट्स, राइट? सो इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को डिवाइड किया ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो स्पेसिफिक हो सके, इन डिमांड्स, वो जो पर्टिकुलर एरियाज है उनके डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, राइट? तो इसीलिए गवर्नमेंट को जो तीन हिस्सों में डिवाइड किया. तो कुछ जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन कुछ जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है. तो जैसे जो कुछ कुछ जो पावर्स है उनका जो वो है वो, उनका जो फैसले है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं. जैसे क्या बजट एलोकेट होना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, राइट? तो ये कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो हम कहते हैं दे आर सेंट्रल सब्जेक्ट्स, मतलब उनपे फैसले सेंटर लेते हैं, और कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है उनपे फैसले स्टेट लेती है, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ पावर्स भी है वो भी डिवाइड हो गए. फिर लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट्स जो है वो अपनी जो अथॉरिटी है, द अथॉरिटी दैट इज द अथॉरिटी टू वील्ड पावर, टू हैव पावर ओवर द पीपल ऑफ द स्टेट, वो अपनी ये जो अथॉरिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है. वो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट यू नो अंडर है, मतलब एक हायरार्की नहीं है. ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है. हाँ ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी बस हाँ में हाँ नहीं मिलाना, या स्टेट गवर्नमेंट भी उनके अंडर काम नहीं करे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जो अपना पावर है, अपनी अथॉरिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है, राइट? तो इसे हम कहते हैं फेडरलिज्म, जब पावर जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है. दैट इज द फर्स्ट फीचर. द सेकेंड फीचर इज पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट वाली सरकार. इसका मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट में हर टीयर की जो सरकार होती है उसे लोग चुनाव करके इलेक्ट करते हैं, राइट? सो दैट इज नोन एज पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट. दैट इज व्हेन यू इलेक्ट योर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस, राइट? और इलेक्शंस के रूल्स क्या होते हैं? इंडिया में वी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स दैट एवरीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 18, एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया and is above the age of 18 has the right to vote, given that they have a voter ID card and they can elect their own representatives, जो parliament में जाके या state assembly में जाके बैठेगा और उनके लिए फैसले लेगा, उनके लिए decisions लेगा, right? So this is something that can be done. Now universal क्यों? क्योंकि you just have to be a citizen of India. इरेस्पेक्टिव कि आप कौन से जात पात जेंडर, आप रिच हो पुअर हो, इट डज नॉट मैटर. इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इफ यू आर अबव 18, यू कैन वोट एंड इलेक्ट योर ओन रिप्रेजेंटेटिव. एंड पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे डायरेक्टली कास्ट देयर वोट, एंड जिसको बहुमत मिलती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, दैट बिकम्स देयर रिप्रेजेंटेटिव. एंड एवरी सिटीजन हैज द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, राइट? Irrespective of their social background, चाहे वो कोई भी background से आते हो, it does not matter. Just like you can vote if you are a citizen of India, similarly you can become
or stand for elections if you are a citizen of India and if you are of a certain age, right? And these representatives जिसको लोग elect करते हैं वो accountable होते हैं, मतलब वो answerable होते हैं, वो जवाबदार होते हैं to the people of India. क्यों? क्योंकि people are voting for them, right? So if you're voting for them, you can tell them, you can ask them questions and they will have to reply to you, right? And if they don't reply to you and if they are not a good government, they know that they will not be elected in the next elections, right? So that is the reason वो दबाव में आके या जिस भी reason से they know that they have to be answerable and accountable, they need to be, उनको जवाबदार होना पड़ेगा लोगों को लेके. So this is a parliamentary form of government which is the second key feature of the constitution. Now let's look at the third key feature. The third key feature is separation of power. जो power है of the government भी वो सिर्फ तीन levels में divided नहीं है, but जो central government का जो power है वो तीन हिस्सों में भी divided है, right? Levels में भी, which is central, जो अभी हमने पढ़ा तीन tiers, central, state and village पे पंचायती राज level पे. Similarly जो तीन levels पे divided है वो है legislature, executive and judiciary. That is जो central government है उसके तीन हिस्से हैं. एक legislature है, legislature are basically all the elected representatives or in the parliament जो law बनाते हैं, right? जो आपस में debate करते हैं, vote करते हैं और फिर एक law pass करते हैं, उनको हम कहते हैं legislators. That is law makers. They sit in the parliament, they are elected by us and they make laws and rules and policies for the best interest of the people. That is the first part or first separation or first branch of the separation of power in the government. Second is executive. That is their small group of people जो इन laws, जो ये different laws बनते हैं उनको लागू करते हैं, उनको implement करते हैं, right? Like the different ministers or different civil servants, police officers. So they are the ones who implement this. Implement मतलब लागू करना. So legislature laws बनाते हैं, executive implement करते हैं, right? And judiciary is basically the system of courts जो देखते हैं कि ये जो rules और laws जो बने गए हैं वो follow हो रहे हैं. तो ये जो system है of three levels of government, legislature, lawmakers, executive implementing people, people who implement the law and judiciary who ensure that these laws are followed, right? These are the three organs of the government and it is a system of checks and balances. Which means that इन तीनों में एक तरह का balance है और तीनों एक दूसरे पे check रखते हैं. Judiciary checks की you know executive और legislature अपना काम सही से कर रहा है, executive checks की you know जो laws है वो सही से implement हो रहा है. So एक तरीके से it is a system of checks and balances ताकि जो weighing scale है, जो balance scale है वो maintain रह सके और ऐसा नहीं हो कि legislature के पास ज्यादा power है वो अपने power को misuse कर रहे हैं, executive अपने power को misuse कर रहे हैं. तो दिस इज अ सिस्टम जिसके थ्रू जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पे चेक रखते हैं टू इंश्योर कि सोसाइटी में जो बैलेंस है वो बनी रहे. सो पहला वाज फेडरलिज्म, थ्री टायर्स. सेकंड वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज आंसरेबल टू द पर्सन. एंड थ्री इज सेपरेशन ऑफ पावर इन थ्री ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Fourth key feature is the fundamental rights, right? This is one of the most important part of the Indian Constitution. There are six fundamental rights that are there in the Indian Constitution. And the fundamental rights are known as the body and soul of the Constitution. That is, जो भी आप आज कर पा रहे हो, जो भी मैंने starting में आपको examples दिए, all those things you are able to do because of the fundamental rights that is guaranteed to you. तो आपको निश्चित किया जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. इट इज नोन एज द कॉन्शियंस, द हार्ट, द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो स्टेट है और जो लोग जिनको वो इलेक्ट कर रहे हैं, जिनको वो पावर दे रहे हैं, वो उस पावर का मिसयूज ना करें, है ना? तो इसीलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स निश्चित किए जाते हैं, गारंटीड किए जाते हैं टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ताकि वो जो है वो स्टेट अगर कभी भी मिसयूज कर रहा है अपने पावर्स का, या स्टेट कभी भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने पावर्स का यू नो ज्यादा इस्तेमाल करे, वो उसको रोक पाए यूजिंग दीज फंडामेंटल राइट्स, राइट? सो इट गारंटीज द राइट्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स भी, ताकि कोई और दूसरा इंडिविजुअल भी आपके राइट्स के साथ कुछ गलत ना कर सके, राइट? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि
आप अपने नेबर की जाके खिड़की नहीं तोड़ सकते, कल के आपका नेबर आके आपको मार नहीं सकता, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यू नो एनी काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ पावर बाय द स्टेट और मिसयूज ऑफ पावर और राइट्स बाय एनी अदर इंडिविजुअल ऑल्सो. सो दिस इज वॉट फंडामेंटल राइट्स डू. एंड इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटी. जो कम जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा ना सके, डोमिनेट ना कर सके. तो ये सब कहाँ पे लिखा गया है? ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है. फंडामेंटल राइट्स के 2 ऑब्जेक्टिव थे, राइट? ये जो फंडामेंटल राइट्स थे इनके 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे, जो B.R. अंबेडकर, जिसे हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट, जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, द असेंबली विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं. पहला, दैट हर सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी इन अ पोजीशन कि वो इन राइट्स को क्लेम कर सके, कि वो ये बोल सके कि हाँ ये क्योंकि मैं सिटीजन हूं तो मेरा इन राइट्स पे हक है. एंड सेकेंड, दैट दीज राइट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल, ऑन एवरी वन, एवरी पर्सन, एवरी अथॉरिटी, राइट? हर इंसान को इन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर द 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव. 1, कोई मिसयूज नहीं हो सके, एंड दैट दीज राइट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पीपल एंड ऑल द अथॉरिटी हु मेक लॉज. एंड सेकंड, एवरी सिटीजन कैन मेक यूज ऑफ दीज राइट्स एंड कैन क्लेम दीज राइट्स दैट यस, दीज आर माय फंडामेंटल राइट्स बिकॉज आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? सो दीज आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स. एंड दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Now let's quickly look at these rights. आपके सिविक्स के बुक में साइड के एक बॉक्स में ये दिया हुआ है, भले ही ये बॉक्स में दिया हुआ है, this is one of the most important questions children that can be asked. So make sure that you read it properly and make sure that you make a note of this slide, that what are the 6 fundamental rights and what do these 6 different fundamental rights mean. First is right to equality, which means that everyone is equal before the law. आपने सुना होगा कानून अंधा होता है, which means that इन द आईज ऑफ द लॉ, लॉ के आगे, जज के आगे, कोर्ट के आगे, एवरी वन इज इक्वल. आप चाहे कोई भी जेंडर के हो, चाहे मेल फीमेल या कोई भी जेंडर के हो, या फिर आप कोई भी सोशल बैकग्राउंड से हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी रिलीजन के हो, इट डज नॉट मैटर. इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कानून के सामने यू आर इक्वल, राइट? दैट इज वन. यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, आपके बीच में भेदभाव नहीं हो सकता. All citizens of the country of India are equal. There is no difference. There is no discrimination. There is no bhedbhav. And all citizens have equal access to public spaces. That is just because you are a citizen of India, jitne bhi public spaces hai, us pe aapka equal hak hai aur equal access hai. That is right to equality. Now right to freedom. Freedom of speech and expression, right? To be able to speak, to be able to express yourself. Because of this right, I am able to make content and able to express myself using YouTube, right? Freedom to form association. People can come together and form associations. Freedom to move freely. कहीं पे भी जाके आप कहीं पे भी इंडिया की जगह पे रह सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप कोई भी occupation, कोई भी profession practice कर सकते हैं. This is right to freedom. Right against exploitation. Constitution ये बोलता है कि किसी भी तरह का human trafficking, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाइक यू नो ये ह्यूमन बॉडीज का लेन देन कर लो, ऑर्गन ट्रैफिकिंग बोल लो, या लोगों को फोर्स करना इन टू प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल, दैट इज नॉट अलाउड. ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट इज लोगों को जाके बेचना इज नॉट अलाउड. फोर्स लेबर, किसी को जोर जबरदस्ती काम करना इज नॉट अलाउड. एंड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रेन, चाइल्ड लेबर करना, एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, यू कैन नॉट एम्प्लॉय दैट चाइल्ड, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. Right to freedom of religion. काफी simple. In India, there is no one religion that is considered to be the most important religion or the religion of the state. So, आप कोई भी religion के हो, आपको आजादी है to you know propagate, to spread that religion, to preach that religion, to practice that religion in whichever way you want, and no one can stop you. Cultural and educational rights. This is mainly for minorities. जो minority वाले लोग हैं, ताकि उनको उनकी इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके और उनको माइनॉरिटी के दबाव से बचा सके. दीज माइनॉरिटीज, ताकि वो एक या तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, दैट इज कि उनकी लैंग्वेज माइनॉरिटी में हो, या फिर वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो कि उनकी रिलीजन माइनॉरिटी में हो, राइट? दे कैन सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं
ताकि वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज के कल्चर को, रिलीजन के कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और उसको बढ़ा सके. दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. दिस इज द स्टार राइट, दिस इज द इक्का राइट. व्हाई? बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स द सिटीजंस द राइट टू गो टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ दीज अदर फाइव राइट्स हैव बीन वायोलेटेड. अगर उनका इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है या उल्लंघन होता है उसका, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत ये बोल सकते हैं कि मुझे ये राइट पे क्लेम करना है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है. सो दीज आर द सिक्स इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स विच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो नाउ इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स देयर इज समथिंग आल्सो नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो फंडामेंटल राइट्स जैसे इंडिस्पेंसिबल है, मतलब कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और वो लागू होना ही होना पड़ेगा. और अगर वो लागू नहीं होता तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और जिसने भी आपके उस राइट का उल्लंघन किया है उसके अगेंस्ट कोर्ट एक्शन ले सकता है. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे लागू नहीं हो सकते, ठीक है. वो इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट द स्टेट शुड बी डूइंग. द स्टेट माइट नॉट बी डूइंग बट दिस शुड बी डूइंग राइट. सो इट सर्व्स एज अ गाइड कि ये कुछ ऐसे पॉलिसीज लिखे गए हैं तो जैसे इंडिया आगे बढ़ती चली जाती है, दिस शुड सर्व एज अ गाइड जिसके थ्रू वो लॉज और पॉलिसीज बना सके ताकि वो इंडिया की कंडीशन को बेटर कर सके, उसको रिफॉर्म कर सके और इंडिया में गरीबी हटा सके इस गाइड को फॉलो करके और इंडिया को एक बेहतर स्टेट बना सके. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, डायरेक्शन प्रोवाइड करना. डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करना टू मेक इंडिया अ बेटर कंट्री. Now the last key feature of the Indian Constitution. पांच key features हमने पढ़े. What were those features? Let's quickly revise. The first feature was federalism. Second feature was parliamentary government. Third was separation of power. Fourth was fundamental rights. The six fundamental rights. And now the fifth feature is secularism. जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में और भी ज्यादा पढ़ेंगे. तो आप हमसे जुड़ते रहिएगा इस YouTube चैनल पे रोज 6:30 बजे जब मेरे लेसन्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि वी कैन डेल्व इन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच डील्स अबाउट सेक्युलरिज्म. बट टू गिव यू अ क्विक यू नो सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ व्हाट सेक्युलरिज्म इज, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट विच मीन्स दैट इंडिया प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म विच मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर फ्री एंड इक्वल. And every religion is, and there is protection that is provided to minority religions. And these minority religions, जैसे हमने educational और cultural rights में भी पढ़ा, they can set up their own institutions ताकि वो अपने religion को protect कर सके. So state कोई भी एक religion को promote नहीं करता, कोई भी एक religion को बढ़ावा नहीं देता, और कोई भी एक religion is not considered to be the religion of the state. Hinduism भले ही is the religion of the majority, but it is not the religion of the state. स्टेट नहीं बोल सकता लोगों को कि हम हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, एवरीवन शुड बी अ हिंदू. सिमिलरली वो इस्लाम के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकते या फिर वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकते. सो ऑल रिलीजन्स आर फ्री एंड इक्वल एंड द स्टेट डज नॉट प्रमोट, प्रोपोगेट और स्प्रेड एनी वन रिलीजन. इनफैक्ट इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी. दैट इज नोन एज सेक्युलरिज्म एंड इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट राइट. So this was about the constitution of India. What the things that we quickly covered were constitution, what is a constitution, what is the purpose of a constitution. We saw the case study of Nepal to understand that purpose better, right? Then we saw the process of how Indian constitution was made and what were the challenges in the making of this Indian constitution. Then what are the functions of a constitution, what are the different functions that a constitution serves in a democracy, that is why do we need a constitution in a democracy. Then in case of Indian constitution, what are the five features or main important features of the Indian constitution, or usme se fundamental rights are very very important. Make note of that, the six important fundamental rights, right? And these are some of the questions that I want all of you to think about, right? कि क्या जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 से लेके अभी तक सेम रहा है या फिर कुछ चेंजेस आए हैं. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक कि कोई भी एक कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान के बिना सर्वाइव कर भी सकती है. दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, क्या वो एक जीवित डॉक्यूमेंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी वैल्यू है जितना हम उसे देते हैं या नहीं है या क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं.
थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, ट्रिकल योर ब्रेन, टिंकल योर ब्रेन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास एट 6:30 on YouTube, on this lame platform. But don't forget to like, share and subscribe the channel so that you are reminded ki roz 6:30 main aati hu YouTube pe to take you in a journey of social sciences with me. Next class I will explore the first chapter of geography with you. So connect back to my channel and do like and share so that more people can take benefit of this. And come back to the Unacademic channel. Let's crack it together. Let's make social sciences fun. And let's get on this journey. Bye-bye. See you at 6:30 tomorrow.